वेल, तो पिछले वीडियो के आखिर में अंत में हमने बात करी थी कि अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले होने वाली दो चीज़ों के बारे में। मतलब कि ये दो काम या दो बातें जो कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले होंगी, तो क्या है वो दो बातें? चलिए आज इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करते हैं और वीडियो को हम बिब्लिकली देखेंगे। इस मैसेज में हम बात करेंगे बाइबल के बिल्कुल प्योर कॉन्टेक्स्ट में। हम वचनों को चेरी पिक नहीं करेंगे कि कोई वचन इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। कॉन्टेक्स्ट हमारा यही रहेगा, अंतिम वक्त, प्रभु यीशु का आगमन और कलीसिया का उठा लिया जाना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में के इर्द गिर्द हम वचन को देखेंगे कि वचन हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या सच्चाई है वचनों में इस टॉपिक को लेकर। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये दो काम, ये दो बातें होना जरूरी हैं। नाउ इस टॉपिक को डीपली जाने से पहले, मैं जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि प्रभु यीशु का आगमन छुप छुप कर चोरी चोरी नहीं होगा, मतलब कि जीसस सीक्रेटली नहीं आएंगे, वो एक ही बार आएंगे, खुले आम आएंगे और सबके सामने आएंगे। प्रभु यीशु का आगमन सीक्रेटली नहीं होगा, तो उस वीडियो को हमने बिब्लिकली प्रूव किया था बाइबल के सारे वचनों को देखते हुए। लेकिन फिर भी कुछ वचन हैं जो कि छूट गए थे, जिनके ऊपर हम बात नहीं कर पाए थे, तो मैं चाहूँगा कि मैं पहले उन वचनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन मतलब कि चोर की नहीं होगा, चोर की नहीं आने का मतलब है कि चोरी चोरी होगा। लेकिन हम इसे नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि चोर की नहीं, प्रभु यीशु उनके लिए आएंगे जो उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसके इंतज़ार में है, जो रोशनी में है, उनके लिए प्रभु चोर के समान नहीं आएंगे। कैसे मैं ये बात कर रहा हूँ? वचनों के साथ। कौन सा वो वचन है? पहला थसलुनीकियों अध्याय 5 वचन 2-3-4। चलिए इस वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा यहां पर, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ना कुछ लोग कहेंगे कि ओ वाह, तो देखो यहां पर लिखा है, और ज्यादातर लोग बस यहीं रुक जाते हैं कि जैसा चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। लेकिन आगे पढ़ते हैं ना, आगे क्या लिखा है, फिर आगे क्या लिखा है, जब लोग कहते होंगे कि सब कुशल है, सब कुछ ठीक है, कोई भय नहीं, तो उन पर एकाएक यानी अचानक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से ना बचेंगे। इस वचन पर अब ध्यान दीजिए, पर हे भाइयों, पर हे मसीहियों, हे क्रिश्चियंस, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। इसे अगर मैं पैराफ्रेज करके पढूं तो वो ऐसे होगा कि वह दिन तुम्हारे ऊपर चोर के समान नहीं आकर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग रोशनी में हो, तुम अंधकार में नहीं हो। मतलब कि चोर की नहीं उनके लिए वह दिन आने वाला है जो लोग अंधकार में हैं, लेकिन जो अंधकार में नहीं है उनके लिए वह दिन चोर के समान नहीं होगा। चलो एक और वचन मैं पढ़ता हूं, और वो वचन है प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 11, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 1 वर्स 11। यहां पर लिखा है कि वह कहने लगे, हे गलीली पुरुषों। वह कौन है? ये हैं वो फरिश्ते, स्वर्गदूत। जब प्रभु यीशु बादलों पर उठा लिए जा रहे थे, तो ये स्वर्गदूत आते हैं और प्रभु यीशु के चेलों को, रसूलों को कहते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जो यीशु स्वर्ग पर उठाया जा रहा है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे वो गया है कि आप उसे देख रहे हो, बिल्कुल वैसे ही वो वापस लौटेगा कि आप उसे देख पाओगे। तो देखो, प्रभु यीशु सीक्रेटली छुप छुप कर चोरी चोरी नहीं आएंगे, वो सबके सामने आएंगे, खुले आम आएंगे। पिछले वीडियो में हमने इसे प्रूव किया था, लेकिन ये दो वचन थे जो मैं आपके साथ फिर से शेयर करना चाहता था। नाउ चलिए अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये दो काम कौन से हैं जो होंगे। चलिए सीधा हम वचन में जाएंगे, दूसरा थसलुनीकियों अध्याय 2 वचन 3-5। मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर ने वीडियो सेंड किया था, काफ़ी फेमस प्रचारक है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। उनका वीडियो था एंड टाइम के बारे में ही, रैप्चर और महाक्लेश के बारे में ही। तो उन्होंने इस वचन को पढ़ा, लेकिन बस जितना वचन उन्हें सूट किया उनकी टीचिंग को, तो उन्होंने बस उसे ही पढ़ा, बाकी सारा वचन छोड़ दिया।
मतलब क्या वचन पढ़ा था उन्होंने, सिर्फ चैप्टर 2 वर्स 1 को पढ़ा था, लेकिन आगे ये वचन क्या कह रहा है उसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। अब चलिए हम इस वचन को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये दो काम होना जरूरी हैं। क्या है वो काम? लिखा है वचन 3, 4 और 5 में, पढ़ते हैं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह ना होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जो विरोध करता और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। वाह, तो ये वचन क्लियर है, इसे हम समझते हैं। वह दिन नहीं आएगा जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। अब ये वचन बहुत ही बड़ा दावा कर रहा है कि किसी के धोखे में ना आना, किसी के धोखे में ना आना। तो सुने, यहां पर बात हो रही है एक दिन की, वह दिन ना आएगा। यहां पर नहीं लिखा कि वह दिन नहीं आएंगे, यहां पर लिखा कि वह दिन नहीं आएगा। तो यहां पर एक दिन है। अब हमें सोचना चाहिए कि वो कौन सा दिन है जिसकी यहां पर पौलुस बात कर रहे हैं। तो चलिए पीछे चलते हैं और कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, कॉन्टेक्स्ट जो है वो मायने रखता है, उसी से हमें बात समझ में आती है कि क्या बात हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट चलिए देखते हैं, वो है वचन 1 से, कॉन्टेक्स्ट हमें पता चलता है। लेकिन यहां पर, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, ओके, तो प्रभु यीशु के आने यानी सेकंड कमिंग और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु के आने और अपने उसके पास इकट्ठे होने, और उस कर रहा है अपनी बात कि मतलब हमारे उसके पास इकट्ठे होने के विषय में। सो प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होना, ये एक दिन है, दो इवेंट नहीं है। आप कहेंगे कि कैसे? क्योंकि वो वचन संत पौलुस आगे इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि प्रभु यीशु के आने और हमारे उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा वचन पत्री के द्वारा कि मानो वो हमारी ओर से आए ये समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, वह दिन ना आएगा। कौन सा दिन? प्रभु यीशु का आना और हमारा उसके पास जाना। वह दिन तब तक नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? जब तक पहले वचन कह रहा है कि विद्रोह ना होता और अधर्मी पुरुष यानी विनाश का पुत्र यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट नहीं हो लेता। वाह, इट्स अमेजिंग, ये बहुत ही बड़ा रेवलेशन है अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। समझते हुए भी, अपने आप में बड़े ज्ञानी होते हुए भी, बड़े बुद्धिमान होते हुए भी, मतलब आई डोंट नो कि वो कैसे इस वचन से चूक रहे हैं। मैं भी एक बार था इसी चीज में फंसा हुआ था कि ओके चलो एंड टाइम की बात बताओ, क्या होगा एंड में? बस वही एक पिक्चर दिमाग में बैठी हुई है कि वेल एंड टाइम में महाक्लेश आने से पहले प्रभु आएंगे, अपनी कलीसिया को उठा लेंगे, क्योंकि कलीसिया को तो क्लेश से होकर नहीं दिया जाना चाहिए, और प्रभु यीशु जाने नहीं देंगे अपनी कलीसिया को, उठा लेंगे, फिर 7 साल का महाक्लेश होगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो अपना रूल स्थापित करेगा, लोगों को मारेगा, अपनी छाप लगाएगा, इसके बाद प्रभु यीशु पृथ्वी के ऊपर लौटेंगे और एंटी क्राइस्ट को सजा देंगे। दैट्स द स्टोरी। लेकिन ये स्टोरी नहीं है, स्टोरी कुछ और है जो कि वचन क्लियरली साफ साफ हमें बता रहा है। और वो स्टोरी क्या है कि वो दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? वचन 1 बता रहा है कि हम प्रभु यीशु का आना और हमारा उसके साथ इकट्ठा होना, वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग नहीं हो जाता और विनाश का पुत्र यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट नहीं हो जाता। अब इस वचन का अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो कॉन्टेक्स्ट यहां पर यह था कि ये जो थेसलोनियों के विश्वासी थे, ये लोग एक्चुअली में अचानक से स्थिर हो चुके थे, घबरा गए थे। किस बात को? वो क्यों घबरा गए थे? वचन 2 कह रहा ना हमें कि वो घबरा चुके थे, अस्थिर हो चुके थे, डगमगा रहे थे। क्यों डगमगा रहे थे भाई? डगमगा इसलिए रहे थे क्योंकि
पिछले चैप्टर में यानी जो पहली पत्री संत पॉलस ने इस कलीसिया को लिखी थी, उस पत्री में यानी पहला थसलुनीकियों अध्याय 4 में संत पॉलस ने बात करी थी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की और उसके साथ हमारे उठाए जाने की यानी रैप्चर की, जो कि कैसे होगा फिर से हमने देखा था कि वो साइलेंटली नहीं हो रहा है, तुरी फूकी जा रही है, प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे रहा है और प्रभु अपने चुनुओं को इकट्ठा कर रहा है, तो वो साइलेंटली नहीं हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। तो उस चीज को लेकर यहां पर ये लोग फिर से अस्थिर हो गए थे, घबरा गए थे। क्यों घबरा गए थे? क्योंकि कुछ लोग, कुछ पत्रियां, कुछ चिट्ठियां, कुछ वचन इन्हें इन विश्वासियों को, थसलुनीकियों के चर्च को ये सिखाए जा रहे थे कि वेल प्रभु यीशु ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को लेकर चले गए हैं, चोरी चोरी वो आए हैं, छुप कर चले गए हैं, अपनी कलीसिया को ले गए हैं और तुम यहां पर क्लेश में हो। तो पॉलस उन्हें कह रहे हैं कि देखो, किसी आत्मा या किसी वचन या किसी पत्री के ऊपर ऐसे विश्वास ना करो कि जैसे वो मान लो हमने आपको भेजा है। नहीं, प्रभु का दिन जैसे आ पहुंचा, आपको ऐसा मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसा मत समझो। तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए, तुम ना घबराओ, क्योंकि वो दिन यानी प्रभु यीशु ऐसे चुप चुप कर नहीं आएंगे कि आकर वो चले गए आपको पता भी नहीं चला। पॉलस कह रहे हैं कि वह दिन नहीं आएगा, प्रभु यीशु का आना और हमारा उसके साथ उठा लिए जाना तब तक नहीं आएगा जब तक पहले धर्म का त्याग नहीं हो लेता, जब तक पहले अधर्मी पुरुष यानी एंटीक्राइस्ट प्रकट नहीं हो लेता है। तो वचन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, सबसे पहले फॉलिंग अवे होगी और उसके बाद अधर्मी पुरुष भी आएगा। तो फॉलिंग अवे क्या है? अब कुछ लोग, मैं इस चीज़ को जब मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने कुछ व्यूज़ देखे जो कि प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानते हैं। वो कह रहे हैं कि कहते हैं कि जैसे ये लिखा है फॉलिंग अवे यानी विद्रोह होना, इसका मतलब है फॉलिंग अवे मतलब डिपार्चर, डिपार्चर ऑफ द चर्च, कि कलीसिया उठा ली जाएगी। जैसे अगर इस ट्रांसलेशन में लिखा है विद्रोह नहीं होता, दूसरे अगर आप ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले। सो कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म का त्याग होना मतलब कि जो धर्मी लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे, लेकिन नहीं, अगर आप इसके ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखते हैं तो वहाँ पर इसका मतलब है एक नेगेटिव सेंस में, यानी कि लोग डिपार्चर होंगे प्रभु यीशु के साथ नहीं, वरन नेगेटिव सेंस में कि वो विश्वास से दूर हो जाएंगे, कुछ नेगेटिव सेंस के साथ इस वचन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नहीं, ये फॉलिंग अवे कलीसिया का प्रभु के साथ जाना नहीं है, फॉलिंग अवे है विश्वास से दूर हो जाना। और इस चीज़ को पॉलस सिर्फ यहीं पर बातें नहीं कर रहे हैं, और भी काफ़ी वचन है जो फॉलिंग अवे की, रेबेलियन की, विद्रोह की, विश्वास से हटाए जाने की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम प्रभु यीशु की, तो उन्होंने भी इसके बारे में बात करी थी मत्ती अध्याय 24 वचन 10 और 12 में। और फिर से मैं आपको बता दूं कि ये मत्ती अध्याय 24 फिर से एंड टाइम की, प्रभु यीशु के आगमन की और कलीसिया के उठाए जाने की बात करता है। तो इस चैप्टर में भी प्रभु यीशु बात करते हैं, वचन जब हम 10 से पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है कि तब बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे। ठोकर खाने का मतलब है कि विश्वास से गिर जाएंगे, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को बहकाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा हो जाना, ठोकर खाना, इसका मतलब है कि सच्चाई से फिर जाना, सच्चाई से दूर हो जाना, सच्चाई से नज़रें फेर लेना, सच्चाई के साथ जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, वो ठंडी पड़ जाएगी। और यही है रिबेलियन, फॉलिंग अवे, अधर्म के बढ़ने से जो धर्म का त्याग हो रहा है। और फिर पॉलस एक और चैप्टर में, एक और पत्री में इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब वो लिखते हैं तिमोथियस को। तिमोथियस को लिखते हुए वो पहले खत के अध्याय 4 में वो कहते हैं कि परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। और इसका भी मतलब वही है कि लोग विश्वास से गिर जाएंगे, दूर हो जाएंगे, विद्रोह होगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा और फिर अधर्मी आएगा और उससे लोग अपना मसीहा मानेंगे, क्योंकि वो ऐसे काम, ऐसे कार्य दिखाएगा कि लोगों को मानना पड़ेगा कि वाकई में यही है इस धरती के ऊपर, दुनिया के ऊपर शांति को स्थापित करने वाला। और वो करेगा भी 3 साल के लिए अपने राज्य में वो शांति को स्थापित करेगा। लेकिन जैसे वचन में हमने पढ़ा था ना, पहला थसलुनीकियों 5 में, तो एकाएक यानी अचानक विनाश आ पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो उसकी बात मानेंगे, जो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो उसकी मोहर को लेंगे।
तो वचन बिल्कुल क्लियर है। दूसरा थसलुनीकियों अध्याय 2 उसके वचन 1 से लेकर 5 तक मैं कहता हूँ कि अगर आप बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि संत पौलुस यहाँ पर कितनी गहराई से, कितनी स्पष्टता से इस बात को लिख रहे हैं कि प्रभु यीशु का आना, हमारा उसके साथ उठा लिया जाना एक दिन है, और वो दिन पौलुस कहता है कि नहीं आएगा जब तक पहले विद्रोह नहीं होता है और अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट नहीं हो लेता है। सो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोग विश्वास से फिरेंगे, धर्म का त्याग होगा और एंटीक्राइस्ट प्रकट होगा और फिर प्रभु यीशु आएंगे। नाउ आने वाले वीडियो में हम और भी कई चीज़ों को देखने वाले हैं जो कि अंतिम समय के रिलेटेड भी हैं, और अगर आप आपके मन में कुछ सवाल क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप उन्हें नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। होपफुली हम उन कमेंट्स का जवाब देंगे, उन सवालों के ऊपर जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ और टॉपिक्स हैं, विषय हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले आने वाले वीडियो में, जैसे कि कलेश और परमेश्वर के क्रोध में क्या फ़र्क है, प्रभु यीशु के आने और रैप्चर के बीच में क्या फ़र्क है, कुछ लोग इस फ़र्क समझते हैं तो ये क्या है, हम इसे भी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और आपका क्या विचार है सब चीज़ों को लेकर प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिखा मुझे आपको हम सबको संभाल कर रखें। आमीन।